Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक समय था जब आकाश में दिखने वाला ये धूमकेतु लोगों के लिए कौतूहल का विषय था, लेकिन आज हम जानते हैं कि एक धूमकेतु 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय के अवशेषों का जमा हुआ बर्फीला गोला है, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु आरंभिक धरती और अन्य ग्रहों पर पानी और कार्बनिक यौगिक लेकर आए होंगे। खगोल विज्ञानी गेराल्ड कूपर के 1951 के सिद्धांत के मुताबिक नेपच्यून ग्रह से दूर बर्फीली निकाय की एक चक्रीय पट्टी है, जहां बड़ी संख्या में काले पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये बर्फीले पिंड प्रायः गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्ष में धकेल दिए जाते हैं, जिससे ये सूर्य के नजदीक आ जाते हैं और धूमकेतु बन जाते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में करते हैं और उन्हें 200 साल या उससे कम समय लगता है। वहीं कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा में हजारों वर्ष लगाते हैं। धूमकेतु में एक छोटा जमा हुआ हिस्सा होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें बर्फीले टुकड़े, जमी हुई गैसें और धूल कण होते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो ये गर्म हो जाता है और एक वातावरण या कोमा बनाता है। सूर्य की गर्मी से धूमकेतु का बर्फ गैस में बदल जाता है, जिससे कोमा काफी बड़ा हो जाता है। सूर्य का प्रकाश और सौर वायु का दबाव कोमा के धूल और गैसों को सूर्य से दूर उड़ा देते हैं, जो लंबा चमकीला पूंछ जैसा दिखता है।